पहले T20 मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को धोया। मोहाली में भारतीय युवा खिलाड़ियों का हल्ला बोला। तो भैया भारत वर्सेस अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा पहला T20 मुकाबला समाप्त हो चुका और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार जानदार धमाकेदार जीत अर्जित करते हुए दिखा दिया है कि भैया अफगानिस्तान टीम आप T20 फॉर्मेट के सूरवीर होंगे, आप पाकिस्तान को मात देते होंगे, आप श्रीलंका को मात देते होंगे, जिम्बाब्वे को नाको चने चबवाते होंगे, इधर बीच इंग्लैंड को भी टक्कर देते होंगे, लेकिन भारत को भारतीय सरजमी पर हराकर दिखाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और आज भारतीय युवा खिलाड़ियों ने यहां पर दिखा दिया कि इन युवा खिलाड़ियों में जोश है, जुनून है, हुनर है और सबसे खास बात जीतने की काबिलियत और ललक है। यहां पर भारतीय युवा खिलाड़ियों ने विपरीत परिस्थितियों में जो वापसी करके दिखाई है हर वक्त वो काबिले तारीफ रहे, जिसकी वजह से ये जो जीत रही भारतीय टीम की पहले T20 मुकाबले में वो शानदार रही, जानदार रही, धमाकेदार रही। और अगर हम इस मुकाबले की चर्चा कर लें तो यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एक डिसेंट सा टोटल अफगानिस्तान टीम ने स्कोर बोर्ड पे लगाया। यहां पे आपको बुमराह नहीं दिखेंगे, सिराज नहीं दिखेंगे, तो जो दायित्व तो था वो किसके ऊपर था, मुकेश कुमार के ऊपर था, अर्शदीप सिंह के था के ऊपर। उसके बाद कुलदीप को आराम मिला था तो रवि बिश्नोई थे, वहीं अगर बात करें रविंद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल थे, वाशिंगटन सुंदर थे और हार्दिक पांड्या मौजूद नहीं थे तो शिवम दुबे थे। और सभी के सभी युवा खिलाड़ियों ने आप में अपना दिखाया हुनर कि भैया अगर अनुभवी खिलाड़ी नहीं है तो क्या हमसे भी पार पाना किसी भी टीम को भारतीय सरजमी पर मुश्किल है। और यहां पर आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं, 158 रन मात्र स्कोर बोर्ड पे लगा पाई अफगानिस्तान टीम। हालांकि ये सर्वाधिक स्कोर है उनका भारतीय टीम के खिलाफ T20 क्रिकेट में, लेकिन जो परिस्थितियां थी वो बहुत ही बल्लेबाजों के अनुकूल थी। ड्यू फैक्टर था, ठंड चल रही थी, उसके बावजूद मात्र 158 रन मोहाली की इस तेज आउटफील्ड पर लगा पाना एक अपने आप में डिसेंट सा स्कोर था, जिसको सब जब ये स्कोर लगा तो सबको पता था कि इसको भारतीय टीम आसानी से चेज कर जाएगी और चेज भी कर ले गई। यहाँ पर शिवम दुबे आज के मुकाबले के स्टार रहे, गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी में अर्शद की पारी खेली, दो अर्शतक जड़ चुके हैं, 60 रनों की पारी खेला। उनके अलावा गिल ने 23, तिलक वर्मा ने 26, जितेश शर्मा ने 31 रनों का योगदान दिया। अगर हम अफगानिस्तान की गेंदबाजी की बात करें तो मुजीब के नाम 2 विकेट, अजमतुल्ला उमरजाई के नाम 1 विकेट। वहीं अगर हम शिवम दुबे की गेंदबाजी की बात कर लें तो भैया 2 ओवर में 9 रन 1 विकेट। तो शिवम दुबे ने आज के मुकाबले में दिखा दिया कि हार्दिक के विकल्प के तौर पे वो तैयार हैं, आप उनका कभी भी इस्तेमाल कर सकते। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।